गाइज वेलकम टू माई चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैक्रो प्रॉब्लम ठीक है अब हम मैक्रो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे गाइज इफ यू आर रियली लाइकिंग माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि इतनी वीडियोज बनाने में मेहनत लगती है एंड सब्सक्राइब करने में एक सेकेंड लगता है ओके सो ना ऑल लेट स्टार्ट द वीडियो सी अब सर ये ना हमारे पास पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है इन लोगों ने ठीक है ऐसे जो है क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जरूर आते हैं सी प्रोग्राम दिया हुआ है ये याद रखना मैंने ना इसको डिवाइड किया हुआ है आ, आ, आउटर मैक्रोज में ये इनर मैक्रोज में ठीक है so, सो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है एट लास्ट यू यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम सो प्लीज ध्यान से सुनना जो चीजें मैं कह रही हूं है बहुत सिंपल चीजें बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टेबल में क्या करना है और इस टेबल में क्या करना है ठीक है सो सी देखो पहले दिया हुआ है इन्होंने मैक्रो तो मैक्रो को करना है भाई इग्नोर अब देखो मैक्रो को इग्नोर करो इसके बाद लिखा हुआ है स्टोर वहां से शुरू करो यहां पर लिखो स्टोर सो हमने लिख दिया एस टी ओ आर ई क्या लिखा हुआ है आगे एम परसेंट ए एन एस सो लिख दो एम परसेंट एन एस अब ये जो एमपरसेंट का साइन होता है ये क्या बताता है कि ये एड्रेस है तो इसको एड्रेस को हमें क्या करना होता है कि कोई ना कोई सब्सिट्यूशन करनी होती है एड्रेस की जगह सो फॉर स्टोर हमने क्या लिखा एमपर्सेंट एएनएस को हैश वन असाइन कर दिया ठीक है ये चीज है अब से इसके बाद क्या करना है हमें इसके बाद क्या लिखा हुआ है एस टी वन एस टी वन एम्पसेंट ए एन एस को क्या नाम दिया था हैश वन सो यहाँ पे हमने लिख दिया हैश वन ठीक है फिर इसके बाद हमें एम ई एन दिया हुआ है सो so, हमने फंक्शन एंड कर दिया ठीक है अब सी मैक्रो को करना है इग्नोर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर सो मैक्रो को कर दो भाई इग्नोर हमने कर दिया इग्नोर इसके बाद चलो ठीक है इसके बाद हो गया ना वैसे सारा कवर हाँ ठीक है इसके बाद चलो क्या आया है परफॉर्म सो परफॉर्म लिखा ठीक है इसके बाद क्या लिखा हुआ है एड ये भी एड्रेस है फिर डीएसटी ये भी एड्रेस है ठीक है अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे इसको एड इसको भी कोई ना कोई असाइन करेंगे सो फॉर परफॉर्म फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे एड को असाइन कर दिया वन एड को क्या असाइन किया वन हैश वन और एम परसेंट डेस्ट को क्या असाइन कर दिया हैश टू ये चीज है ठीक है जी अब आगे देखो आगे तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने इसके बाद एस आर वन वन है तुम्हारे पास ठीक है तो यहां पे हम लिख देंगे एस आर वन कॉमा वन ठीक है अब आगे देखो आगे तुम्हारे पास ये है इनर मैक मै मा, इनर मैक्रो इनर मैक्रो को तुम ऐसे के ऐसे ही लिखे रहने दोगे सो so, इनर मैक्रो को ऐसे के पूरा सेम लिख दो सो so, मैक्रो अब ये देखो एम्परसेंट एड है एम्परसेंट एड को क्या लिखोगे जो तुमने असाइन किया था दैट इज हैश वन सो हैश वन एमपसेंट ए कॉमा एमपर्सेंट बी इसको भी असाइन करेंगे पहले अभी ऐसे ही रहने दो ठीक है एज इट इज ही लिखो ए वन कॉमा एमपसेंट बी ठीक है सो so, मैं अब इसके बाद देखो डेस्ट 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 को क्या असाइन क्यों हुआ है टू सो लिख दो हैश टू ठीक है क्या डीएसएफ ठीक है ये लिख दिया हमने फिर आ रहा है मेंड अब जो इनर वाला था ना उसको असाइन करनी है सारी वैल्यूज उसके पास जाओ कि क्या क्या चीजें आ रही हैं तुम्हारे पास उसके लिए हमने ये नीचे वाला टेबल जो है वो यूज करना है ठीक है चलो करते हैं ये अब सी इनर में हमारे पास आ क्या रहा अब यहां पे ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है परफॉर्म परफॉर्म हमने ये परफॉर्म देखना है ना सो so परफॉर्म को क्या किया हुआ है उन्होंने प्लस और रिजल्ट सो so एड हो गया हम इसकी जगह लिख देंगे प्लस और यहां पे लिख देंगे रिजल्ट मतलब जहां पे भी डेस्ट आएगा वहां रिजल्ट यहां पे भी एड आएगा वहां पर अब देखो क्या लिखना है इसके बाद हमारे पास क्या है क्या चीज दी हुई है सो so अब देखो क्या चीज दी है एड ये था ना इनर मैक्रो एड एड के बाद एड को क्या लिखेंगे प्लस देन एम्पसेंट ए और एमपसेंट बी लिख दिया हमने ऐसे ही। फिर एल वन एल एल आ है वन ठीक है देन एमपसेंट अब ये देखो ये क्या दिया हुआ है हमें एमपसेंट ए और यहां पे दिया हुआ है एमपसेंट बी बट हमें पिछले में इसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी सो फॉर प्लस आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी एमपसेंट ए को हैश वन और एमपसेंट बी को हैश टू ठीक है सो यहां पे लिखो हैश वन देन ए वन हैश टू ठीक है जी ये सारी चीजें बाद में मेंट क्योंकि प्रोग्राम एंड हो गया ठीक है अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ इसमें है क्या चीज देखो करना कैसे कैसे है पहले लिखा स्टोर जो स्टोर था वही यहां पे लिख दिया ठीक है उसके बाद अब एम परसेंट वाली जो भी चीजें आएंगी उसे असाइन करते जाओ नाम असाइन किया अब एस टी वन ने जो असाइन किया था वो लिख दिया मैंट मैंट को वैसे ही मैक्रो को इग्नोर करना है ठीक है मैक्रो को नहीं लिखना फिर परफॉर्म आया परफॉर्म लिखा फिर एम परसेंट वाला आया उसको नाम असाइन करना है ठीक है फिर जो इनर मैक्रोस को वैसे का वैसे ही लिखते जाओ ठीक है उसको बाद में करना है ठीक है जब खत्म हो गया फिर इस टेबल को यूज करना है इनर मैक्रोस को डिफाइन करना है ओके इनर मैक्रोव को इस टेबल की हेल्प से डिफाइन करना है ठीक है इस टेबल के बाद उनको वैल्यूज साइन तो करनी है एंड देन हमारा एमडीटी टेबल बन जाएगा आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू इसके बाद हम बनाएंगे एमएनटी टेबल उससे पहले ये देख लो ये जो इंडेक्स है ना इसको मार्क करते जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉन्टिन्यूसली मार्क करना है ठीक है मतलब जैसे लिखते हैं ना हम नंबर्स सेम वैसे ही लिखना है सिक्सटीन तक आ गए अब जो तुम्हारा एमएनटी टेबल है वो बनाना बहुत ईजी है कौन कौन से थे हमारे पास स्टोर परफॉर्म और प्लस तीनों यहां पर लिख दो स्टोर परफॉर्म और प्लस ठीक है ये तीनों लिख देने हैं हमने ठीक है ये चीजें अब इसके बाद देखो इसके बाद देखो अब पफ स्टोर कौन सी जगह पे? पे, पे? पे, पे है फर्स्ट पोजिशन यहाँ पे फर्स्ट लिख दो परफॉर्म कौन सी जगह पे है दैट इज एट फोर्थ पोजिशन इस पे फोर लिख दो प्लस कौन सी जगह पे है प्लस कहाँ पे है देखो थर्टीन पे सो so थर्टीन पे लिख दो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्क कर दो सॉरी वन टू थ्री ठीक है कॉन्टिन्यूसली मार्क कर देना है आई होप एम एन टी टेबल तो बहुत ईजी है ठीक है अब सी एल टेबल बनाना है फॉर कॉल अब इसमें कैसे बनाना है देखो अब यहां पे हमने स्टोर लिखा था तो पहले लिखो फॉर स्टोर ठीक है पहले हमने फॉर स्टोर लिखना है स्टोर में क्या हैश वन हैश वन को एक वैल्यू असाइन करो देखो स्टोर के पहले यहां पे टेबल में क्या लिखा हुआ है कहा है हमारा स्टोर 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 के पहले रिजल्ट हैश वन की वैल्यू क्या होगी रिजल्ट ठीक है ये चीजें अब इसके बाद देखो इसके बाद तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है फॉर परफॉर्म परफॉर्म लिख लो ठीक है इसके लिए तुम्हारे पास हैश वन हैश वन दिया हुआ है और हैश टू दिया हुआ है ठीक है इस टेबल में चलो इस टेबल में देखो परफॉर्म के लिए प्लस और रिजल्ट दिया हुआ है सो हैश वन की वैल्यू होगी प्लस हैश टू की होगी रिजल्ट ठीक है जी अब इसके बाद देखो इसके बाद तुम्हारे पास क्या है प्लस प्लस के लिए फॉर प्लस प्लस के लिए हैश वन और हैश टू होगा अब देखो हैश वन मतलब तो यहां पे दो वैल्यूज है ना सो हैश वन और हैश टू हैश वन में क्या है प्लस के आगे देखो क्या लिखा है एन वन और एन टू हैश वन एन वन होगा हैश टू एन टू होगा सो ये है एल ए फॉर कॉल ठीक है अब इसके बाद चलते हैं अगर हम इसके बाद हमने बना ये हो गया एएलए ठीक है जी अब आता है एक्सपैंडेड कोड जो इन्होंने कहा हुआ है अब वो बनाते हैं एक्सपैंडेड कोड अब देखो एक्सपैंडेड कोड कैसे बनाना है सिंपल इसको ही यूज करना है तुमने ठीक है अब इसको देखो कैसे कैसे लिखना है ये जो लिखा हुआ था इसको सिंपल लिख दो ठीक है फिर स्टार्ट फिर जीरो ठीक है अब यूजिंग लिखा हुआ नीचे यूजिंग लिख दो उसके बाद क्या लिखना है फिफ्टीन ठीक है देन परफॉर्म एस्ट्रिक का साइन डाल के देन फिफ्टीन अब देखो इसके बाद कहानी शुरू होती है अब यहां पे क्या है परफॉर्म ये नहीं लिखना ठीक है परफॉर्म के नीचे क्या दिया हुआ था हमारे पास एस वन वन सो एस वन वन लिख देना है आपने ठीक है S वन वन लिख दिया अब देखो इसके बाद तुम्हारे पास और कुछ दिया हुआ इसको नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ अब देखो इसके बाद क्या है तुम्हारे पास ये जो है इसको इग्नोर कर दो यहां से शुरू करो ठीक है क्योंकि इनर मैक्रोव था ना हैश टू हैश टू की जगह तुम लिखोगे हैश टू में तुम्हें परफॉर्म में क्या दिया हुआ है रिजल्ट सो रिजल्ट लिखो हमने लिख दिया रिजल्ट ठीक है जी इसके बाद देखो इसके बाद सिमिलर वही लिखना है रिजल्ट लिख दिया बाद में डीएस और एफ लिख देना है ठीक है ये चीज है इसके बाद देखो तुम्हारे पास क्या है डीएस और एफ आ गया अब देखो अब जाओ आगे इसे आगे ठीक है अब हमारे पास आ रहा है प्लस ठीक है जी अब इसमें हम जाएंगे प्लस के पास ठीक है प्लस में क्या है एल वन और ए ठीक है तो वही आपने लिखना है पर प्लस में हैश वन क्या है प्लस में हैश वन है एन वन और एन टू जो जो आगे करना है ना उसका पिछला टेबल यूज करते जाना है ये चीज याद रखना ठीक है इसमें ना वैल्यू ये लिख देना कि हैश वन की वैल्यू ये है ठीक है पिछला टेबल यूज करते जाना है सब ये देखो अब आ गया प्लस एल वन ठीक है इसके बाद आ गया तुम्हारे पास एन वन अब ए ए लिख दिया फिर तुम्हारे पास क्या आएगा वन देन हैश टू की वैल्यू क्या थी एन टू ठीक है अब इसके बाद देखो क्या आ रहा है स्टोर ठीक है अब चलो स्टोर पे स्टोर आ रहा है अब स्टोर पे देखो क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है दैट इज एस वन हैश वन ठीक है अब वहीं पे चले जाओ हैश वन पे क्या था रिजल्ट सो so हमने वही चीज लिख देनी है अब ये क्या आ गया एस टी लिखा हुआ एस टी वन रिजल्ट ये चीज लिख दी बाद में देखो बाकी तो सिंपल ये यह, फिर यहां पे एन वन F4 एफ फोर ठीक है एन टू F5 एफ फाइव फिर आ गया एंड ठीक है तो ये हमारे पास आ गया एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब मैं आपको एक चीज फिर से बता देती हूं यहाँ पे आपको एमडीटी टेबल एमएनटी टेबल तक तो आ गया होगा फिर ALA कॉल बनाना है एएलए कॉल एएलए से ही बनाना है एएलए डेफिनेशन से एएलए डेफिनेशन से कैसे स्टोर लिखा हैश वन हैश वन देखा ठीक है स्टोर के आगे फिर ये टेबल यूज करना है सारा ठीक है स्टोर के आगे क्या रिजल्ट हैश वन को रिजल्ट प्रोवाइड करो परफॉर्म क्या आगे क्या है प्लस रिजल्ट ठीक है उसको वो प्रोवाइड करो ऐसे कॉल लिखना है फिर एक्सपैंडेड एक्सपैंडेड कोड में आपको यूज करना है एमडीटी टेबल और ये वाला टेबल इसको डेफिनेशन वाले को हाथ नहीं लगाना क्योंकि उसकी जगह ये बन चुका है ठीक है अब इसके बाद ये सारी चीजें लिख देनी है ठीक है जहां पे आएगा आपके परफॉर्म वगैरह उसको नहीं लिखना उसकी जगह ये इंस्ट्रक्शन लिखनी है परफॉर्म के बाद ये इंस्ट्रक्शन आ रही है ठीक है फिर ये ठीक है तो ये सारी चीजें लिखनी है आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन थी इफ यू वॉन्ट दिस एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल देन राइट इन द कमेंट सेक्शन में एक और एग्जाम्पल की वीडियो डाल दूंगी अगर ये नहीं अच्छी तरह क्लियर हुआ आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इस चीज को ठीक है एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब करके जाना थैंक्स अलॉट